नमस्कार प्रणाम, मैं फिल्म डायरेक्टर एंड बिजनेसमैन शुभम सितारा, माहे सिंघिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारियां कर रही है और जिला निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर से पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जो भी नए प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं और बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के स्थित कठौर पंचायत के वार्ड संख्या 1 में, और हमारे साथ हैं वार्ड सदस्य के प्रत्याशी मोहम्मद मुर्तजा। तो मुर्तजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माहे सिंघिया ब्लॉग में। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 1 बिष्णुपुर कठौर पंचायत के सभी जनता को सलाम और नमस्कार पेश करता हूँ, और आप भी मेरे वार्ड में आए और हमसे मिले, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुर्तजा जी, आप हमें ये बताएं, आपको अपने वार्ड अपने पंचायत में ऐसी क्या कमी दिखी, ऐसी क्या परेशानियां दिखी जो आप राजनीतिक में उतरने पर मजबूर हो गए, और आपने कठौर पंचायत ही क्यों चुना राजनीति की शुरुआत करने के लिए? देखिए, मैंने चुनाव लड़ने का मेरे तरफ से कोई इरादा नहीं था। अगर चुनाव में लाने का इरादा भी है तो बहुत सारे युवा साथी ने हमें मजबूर किया कि आप जनता आप चुनाव में आइए, इसलिए कि गांव में जो है बहुत सारी कठिनाइयां था, मतलब बहुत सारे भ्रष्टाचार और बहुत सारे सामाजिक न्याय नहीं होता था, सामाजिक व्यवस्था सही नहीं था। इसके कारण युवाओं ने खास करके मुझे लाया मैदान में, वरना मुझे कोई शौक नहीं था चुनाव लड़ने का। इन लोगों के रवैया की वजह से ही मुझे मैदान में आना पड़ा है। आपको क्या लगता है अभी तक कौन कौन सा कार्य नहीं हुआ है पिछले प्रतिनिधि के दौरान, और अगर जनता आपको मौका देती है आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, जनता अगर हमें मौका देती है तो सरकार की तरफ से जो भी योजना चल रहा है, हर योजना का लाभ तो मिलेगा ही। योजना तो इतना चल रहा है कि लोगों को उतना जानकारी नहीं, क्योंकि आजकल जो वार्ड में या कोई भी पद पे खड़े होते हैं जीत जाते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं होता है कि कौन सा योजना सरकार ने लॉन्च किया है। देखिए, मैंने 2 साल से मैं अपने गांव में सभी जनता को सेवा कर रहा हूँ, 2 साल से कंटिन्यू, जिसमें जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड का काम हो गया, गैस, अभी देखिए उजाला योजना में गैस सिलेंडर भी बहुत सारे लोगों को दिलाए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने 2 साल से निशुल्क सेवा, और इंशाल्लाह मेरे जीतने के बाद भी ये सब सेवा निशुल्क ही रहेगा। जहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा वहाँ पर कमाएंगे, लेकिन जो छोटा मोटा योजना है ये सब सेवा मेरे तरफ से बिल्कुल निशुल्क रहेगा। जैसे देखिए, अभी किसान वाला भी काम चलता है, इसमें भी लोग घूस ले लेते हैं, लेकिन हम ये सब पर घूस नहीं लेंगे। यहाँ के जो स्थानीय जनता है और आपके वार्ड में जो भी लोग आते हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? उनसे मेरा यही अपील है कि आने वाले समय में सही निर्णय लें, अच्छे को सच्चे को जिताएँ, अच्छे को साथ में रखें, और हमारा क्या है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आपको काम करके दिखा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको हम अच्छा लगते हैं तो आप हमें वोट दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दीजिए। आपको इस बार की जनता या आपके स्थानीय जनता से आपकी क्या उम्मीद है, आपको जीत मिल सकती है नहीं? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, बहुत उम्मीद है कि निश्चित ही जीत मिलेगी, क्योंकि मैंने 2 साल से मैंने काम करके लोगों को दिखा रहा हूँ बिना पद के, जब पद मिलेगी तो इससे ज़्यादा कार्य करेंगे, बिल्कुल निश्चित हैं इसके लिए। बिल्कुल, मैं सभी ग्रामवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दिल खोलकर फैसला लें, अरे आपको कोई खाए खिलाए पिलाए सब का खाइए पीजिए, लेकिन समय पर सही निर्णय लीजिए। तो ये थे हमारे साथ कठौर पंचायत के वार्ड संख्या 1 के वार्ड सदस्य प्रत्याशी मोहम्मद मुर्तजा जी, और बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को कहा, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमारे गांव की जो जनता है वो सही निर्णय लें और सही व्यक्ति का चयन करें, ताकि हमारा ही नहीं हमारे पंचायत का भला हो सके। तो देखते रहे माहे सिंघिया ब्लॉग, बहुत बहुत धन्यवाद।